स्वागत है। मैं रमेश सर, आज आप लोग को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, ये आपका पहला क्लास है, जीव विज्ञान का पहला क्लास है। इसमें हम आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे, यानी क्लास 12 का विषय क्या है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। सबसे पहले बात ये आती है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की डिफिनेशन, सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं इन्हीं जीवित जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब आता है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का, यानी आपका नोट में यानी पॉइंट में हो जाएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। ये तो हो गया क्या, जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके आगे देखिए, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है या बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है बायो और ये तो एक होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग बीइंग मतलब होता है जीवित जीव, या प्राणी। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवित जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी से। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग बीइंग का मतलब होता है जीवित जीव, टू स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। यानी जीव, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जीवित जीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या है, बायोलॉजी का मतलब होता है। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसको हम पॉइंट के द्वारा नोट कर सकते हैं। जीव विज्ञान
जीव विज्ञान के जनक अरस्तु अरस्तु जी है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को माना जाता है, यानी वैज्ञानिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कितनी होती हैं, या फिर जीव विज्ञान को हम कितने शाखाओं में बांटते हैं, उसको देख लेते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं, जिनमें से हम पहला बता देते हैं आपका। पहला क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी, जूलो जू मतलब क्या होता है? जीवो, जंतु, लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। यानी अगर पहला देखते हैं जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान की डेफिनेशन, जंतु विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। यानी विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, नोट्स कॉपी बना लीजिए, उसमें आप तो जो भी पढ़ाया लिखाया जाए आप उसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए और उसे तैयार कीजिए। अगला क्या है? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। दूसरा नंबर वनस्पति विज्ञान, इसकी डेफिनेशन होती है यानी जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या है? वनस्पति विज्ञान है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो अब देखिए जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है?
इसको हम पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु को ही माना जाता है। और दूसरा नंबर है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान के जनक वैज्ञानिक अरस्तु, वैज्ञानिक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की डेफिनेशन और इसके जनक कौन है। अब जो आपका है वो है यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को टोटल 10 इकाइयों में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान यानी इंटर का जो सिलेबस है जीव विज्ञान का, वो जो है उसको 10 इकाइयों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 10 इकाइयों में बांटा गया है, यानी टोटल कितनी इकाई है, 10 इकाई है। तो ये क्या है, इंटर लेवल का सिलेबस है, 10 इकाई में बांटा गया है। और जिसमें से 5 इकाई को कक्षा 11 में यानी 11 में पढ़ना है और 5 इकाई को 12 क्लास 12 में पढ़ना है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका हम स्टार्ट करेंगे वो जो है इकाई के नाम और उनके चैप्टर के नाम, किन किन चैप्टरों को अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया लिखाया गया, जहां आपको न समझ में आया हो या कहीं दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335341705 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।